mombatti diye le lo mombatti le lo diye mombatti diye mombatti le lo diye le lo ये कैसे दिए बाबू जी 250 के 100 हैं एक काम कर 200 दिए दे दे ठीक है बाबू और 3000 पैकेट मोमबत्ती के डाल दे करवा भी डाल दे ये लीजिए बाबू जी आपके हो गए 650 रुपए ये क्या बाबू जी ये तो 550 रुपए हैं अरे सही पैसे दिए रख ले बाबू जी इतना कम में नहीं हो पाएगा 20-30 रुपए तो बचता है हमको एक काम कर पकड़ अपना सामान इसीलिए तुम जैसे लोगों से सामान नहीं लेते तुमसे चलो गुप्ता की दुकान है उनसे ले लेंगे हम बाबू जी नाराज क्यों हो रहे हैं 10-20 कम दे दो हमारी भी दिवाली मन जाएगी और गुप्ता जी क्या हाल है भाई बढ़िया अच्छा एक काम करिए 200 दिए दे दो अच्छा और 8-10 पैकेट मोमबत्ती के डाल दो ये लो जी आपके हुए 1160 रुपए अरे गुप्ता जी सही पैसे लगा लो इतना पुराना कस्टमर हूँ मैं आपका इसीलिए तुम जैसे लोगों से सामान नहीं लेते तुमसे चलो गुप्ता की दुकान है उनसे ले लेंगे हम ये रखो मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ आपने इधर किसी दिए वाले को देखा हाँ, इस तरफ गया है क्या रे बिरजू तेरे दिए बिके नहीं क्या अभी तक सुबह से कुछ नहीं बिका भाई यार मेरे सारे दिए तो बिक गए मैं घर जा रहा हूँ पर मैं कैसे घर जाऊँ भाई क्यों मेरे घर में छोटे छोटे भाई बहन हैं अगर मैं घर खाली हाथ गया तो मायूस हो जाएंगे और मैंने सुबह से इतना भी नहीं कमाया है कि मैं उनके लिए पटाखे या मिठाई ले जा सकूँ चल कोई बात नहीं यार तू निकल मैं आता हूँ ठीक है यार ये दिए कैसे दिए 250 अरे बाबू जी आप हम गरीब से दिए क्यों लीजिएगा आप तो उन्हीं बड़ी ऊंची दुकानों से दिए लेंगे ना चलो छोड़ो ये सारे दिए कितने के हैं सारे दिए हाँ भाई सारे दिए ये कुछ 800-900 के होंगे और पूरा टोकरा पूरा टोकरा हाँ भाई पूरा टोकरा ये कुछ 1200 का होगा बाबू जी ये 1500 रुपए 1500 किस लिए बाबू जी 1200 रुपए तेरे टोकरे के 300 रुपए मेरी तरफ से तेरे भाई बहनों के लिए इन पैसों से इनके लिए मिठाइयाँ ले लेना और इस बार दिवाली तुम्हारे घर की मनेगी तुम्हारे घर की इस बार दीप जलेंगे हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली बाबू जी उस दिन मुझे डिस्काउंट तो नहीं मिला पर घर लौटते वक्त मन में एक अजीब सा सुकून था एक तसल्ली थी कि आज इस गरीब के घर अंधेरा नहीं रहेगा अगर हम बड़े दुकानों के बजाय इन गरीबों से कुछ सामान खरीद लेंगे तो हमारे साथ साथ इनके बच्चे भी खुशियां मनाएंगे करके देखिए अच्छा लगेगा